बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफक एंड आई एम हसन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिफोर वी स्टार्ट टुडेज वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फर्स्ट एंड जॉइन आवर फैमिली। जी जनाब, कुछ आइडिया तो आप लोगों को थंबनेल से हो गया होगा और टाइटल से आज की वीडियो का, और जिसको भी समझ नहीं है उसको मेरे लुक में कोई चेंज फील नहीं हो रहा। एनीथिंग यू गाइस फील डिफरेंट टुडे? मे बी यस, कुछ यस, दैट इज अ बिग चेंज। अगर आप लोगों को फील नहीं हुआ, मुझे तो बहुत फील हो रहा है। तो जनाब, आप लोगों को पता है कि हम लोग लॉकडाउन में हैं और हमें 2.5 मंथ्स होने को आ गए हैं लॉकडाउन में। तो इतने अरसे बाद डेफिनेटली बाल जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं लड़कों के। लड़कियां तो ना भी कटवाएं तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन लड़कों के बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। और असद वो टाइप के पर्सन है कि असद को बड़े बाल नहीं पसंद, मतलब असद इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं जब असद के बाल जो है वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं। तो इस वजह से हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि हम क्या करें। मैंने असद को ऑफर दी थी पहले भी, लेकिन असद इज वेरी कीन अबाउट हिज हेयर, दैट्स वाई वो मान नहीं रहे थे। पर अब जब असद को पता चला कि यार कुछ और सोल्यूशन नहीं है, और तो फिर असद ने मुझे अप्रूवल दे दिया कि ठीक है यार, डू इट। और जनाब, सोशल मीडिया पे ये कुछ ट्रेंड भी आई थिंक सो चला है कि हस्बैंड्स का वाइफ जो है वो हेयर कट कर रही थी। मैंने अनुष्का शर्मा की वीडियो देखी थी, उसमें भी था। तो वी डिसाइडेड कि लेट्स डू इट, और वी डिड इट। और इस हेयर कट में जितना ख्वारी और मुश्किल हमें पेश आई है उसका अंदाज़ा आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद ही हो सकता है। सो लेट्स जस्ट शो यू गाइस हाउ इट्स डन। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, हम लोगों ने ये इसको क्या कहते हैं, कुछ भी अच्छा, ये जो भी है इसको पहन लिया है, पहना दिया है सबको। अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने हेयर कट पहले एक दफा किया हुआ है अपने भाई का, जो कि आज से कोई 3 साल पहले मैंने किया था शायद, जिसके रिव्यूज मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जी नहीं, बहुत अच्छे रिव्यूज थे, मेरा भाई बहुत खुश था, लेकिन अभी पता नहीं है कि आज मैं भूल गई हूँ असल में। लेट्स सी, या अल्लाह खैर। हे गाइस, बकरा कटने लगा है। गाइस, आपको नजर आ रहा है, ये देखें सब गंजे हो गए। जी आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक है? मुझे बहुत शौक है। आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या होगा, दुआ करेंगे मेरे लिए। गाइस, मैंने अभी ये जो कंघी है ना इसकी, ये मैंने दोबारा से चेंज की है, अब 12 mm वाली मैंने ले ली है। लेट्स सी क्या होता है। मैं एक्सपेरिमेंट। ओके गाइस, ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये मैंने दोबारा चेंज की है, और ये अब है ये 15 mm वाली। लेट्स डू इट। तो राइट नाउ ये सिचुएशन है असद के बालों की। मैंने यहाँ से गंजा कर दिया असद को बिल्कुल, और ये बाल। लेट्स सी। ओके गाइस, लेट्स डू इट। ऐसे आवाज आ रही है ना जैसे वो खेतों में ट्रैक्टर नहीं चलाते। 3 महीने से बाल नहीं रहते हैं, तो खेत ही बनेगा ना। प्लीज मुझे पूरा गंजा नहीं करना है। हमारे पास स्प्रे बॉटल नहीं थी, तो मैंने असद के बाल पहले ही जो है ना वो गीले कर लिए थे थोड़ा पानी से। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जब अपने हस्बैंड या अपने भाइयों के बाल काटने हैं ना, तो पहले गीले करने। फादर्स के लिए, फादर्स के भी, यस फादर्स के भी काट।
गाइस अभी क्या है ना, मुझे पता नहीं चल रहा था कि कितने बाल कट गए और कितने नहीं कटे, तो मैं जरा सकती हूँ इसको साफ कर दूंगी कपड़े से, एज आई हैव नो अदर ऑप्शन। सो ऐसा मुँह को भी इससे मैं चाहूँगी बाल मुझे। जी जनाब, अभी मैंने इसको फिर से चेंज किया और अब ये है 18 mm। सबसे बड़ा साइज है। गाइस अभी मैंने इसको ना 3 mm वाला लगा लिया और मैं यहाँ से बाल उड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी, हाथ कटर मुझे नहीं चाहिए था, वो कुछ बिल्कुल भी बाल उड़ा दिया जनाब। अभी मैंने 6 mm वाला लगा लिया है। ऐसे काटते हैं सीधा सीधा यूं। Done? Finally? Done. Oh my God! See guys, my hands right now. I don't know, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Okay guys, this is the situation of Asad right now. मुझे इसमें शीशा भी नहीं। आगे थोड़ा सा सर नीचे करें। ये देखें। मैंने अभी तक शीशा भी नहीं देखा है कि मेरी कैसी लुक आई है। अभी तक मैंने असद को शीशा नहीं देखने दिया। अब आप लोग जज करेंगे मैंने क्या किया है। और ये देखें, सी दिस, देखें और जज करें कि मैंने क्या किया है, क्या क्या किया है बल्कि। ये देखें, नजर आ रहे हैं आपको सारे बाल। देखा आप लोगों ने कितना मुश्किल काम था और असद ने मुझे इतना तंग किया है थ्रू आउट द कटिंग। यस आपने आप मुझे इतना शो डाला असद ने, बार बार मुझे इरिटेट कर रहे थे। जनाब फोकस करना पड़ता है तब आप इस तरह के टैलेंटेड टास्क जो हैं वो कंप्लीट कर पाते हैं और फाइनली मैंने कर दिया। इसको गलत मत लीजिएगा, मैं कोई नाई वाई नहीं हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस एक दफा मैंने एक दो दफा कटिंग की हुई है। चलें असद मुझे मार्क्स दें 10 में से और बताएं कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। सच बोलना जी। अच्छा सो एफर्ट और सब चीजें इंक्लूड करके आई वुड गिव 9 out of 10। अच्छा 9 इसलिए ना कि थोड़े थोड़े मसले मसाइल हैं, अगर अब मैं नई तो नहीं हूं ना कि इतने परफेक्ट कटिंग कर जाए। और ये तो मैंने कुछ शैम्पू के बाद और कंघी के बाद नॉट फीलिंग दैट जी, इसके पहले भी मैंने लुक दिखाई थी बट क्या कहते हैं, इट वॉज रियली गुड, बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। थैंक यू। लेकिन बहुत मुश्किल काम है इस तरह करना, लिटरली टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम। और जो गन बना था आपको पता है शफक,
कितनी सफाई पसंद है. yeah. so, दो तीन घंटे तो उसी में लग गए इसके बाद. तो जनाब अब आप लोग भी मुझे मार्क्स दें और बताएं कि मैंने कैसा काम किया है. और एक बात, इफ यू वांट टू ट्राई इट एट योर ओन रिस्क. शफा को मुझे लगता है थोड़ा टैलेंट है. सो आई एम थिंकिंग कि हमारा तो वैसे भी लॉकडाउन ही चल रहा है और काफ़ी लोगों को, लड़कों को और बाकी लोगों को ज़रूरत होगी. सो आई एम लाइक एक पोस्टर बनवाते हैं न्यू बार्बर इन द टाउन और जो है शफा के टैलेंट को यूज़ करते हैं. नो आई एम नॉट अ बार्बर, हेयर स्टाइलिस्ट जो भी कह लो, नहीं नहीं होता. ओके गाइस, सो दिस रैप्स अप आवर टुडेज़ वीडियो. उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा और अच्छी लगी होगी. एंड इफ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें. बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव. सी यू गाइस सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइस. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. बाय.